कोई आंख मिचोली वाला खेल नहीं है, बल्कि आंखों देखा हाल है जो कि अभी आपकी आंखें देख रही है। ये वही रुक्मणी बहू है जो घर में चुपचाप बैठी रहती है। इस सासू माँ की परेशानी है कि इसके मुंह से चू तक नहीं निकलता है। और आज जब कुलदेवी के मंदिर दर्शन करने के लिए सुमेध और रुक्मणी जा रहे थे, तो देखिए उस वक्त रुक्मणी ने कैसे लेफ्ट राइट लगा दी इन गुंडों की। आगे पीछे नहीं देखा, साड़ी का पल्लू घुमाया और उसके बाद दे धनादन दे धनादन। रुक्मणी इनकी ये हालत इसलिए कर रही है क्योंकि ये चोरी करके भाग रहे थे। अब एक पुलिस ऑफिसर के सामने अगर चोर चोरी करेगा तो पुलिस ऑफिसर हाथ पे हाथ धरे थोड़ी ही बैठेगी। अब रुक्मणी का ऐसा वाला अवतार देखकर इस गली में तो मानो सब चौंक गए। और जरा सासू माँ का हाल देखिए, इस सासू माँ को मानो धक्का ही लग गया। कि चोर किसी का कुछ चुरा कर भागता है, तब वही रुक्मणी अपनी साड़ी का पल्लू बांध के उसके पीछे भागती है। और केसरबा के लिए यानी मेरे लिए ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ है कि जिस बहू के मुंह से दो शब्द नहीं निकल रहे हैं जब से शादी हुई है, वो साड़ी उठाकर भागी है किसी के पीछे। तो आई एम कंफ्यूज कि मैं बहू लाई हूँ कि पीटी उषा लेकर आई हूँ। और उस चोर को रुक्मिणी पकड़ के बहुत मारती पीटती भी है, जो केसरबा जब ये चल रहा होता है तब वहाँ पहुँच जाती है। वैसे बाजार में अब जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन घर जाने के बाद ये क्या होगा? ये क्या अपने सासू माँ के बहुत सारे सवालों के जवाब रुक्मणी दे पाएगी, या फिर अपने पतिदेव सुमेध को वो अपनी सच्चाई बता देगी? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अंश बागरी को जानते हो ना? अरे वही बागिन सीरियल वाले। उनके क्यूट फैमिली मेंबर्स के साथ हमने किया एक डे आउट और उनके क्यूट फैमिली मेंबर्स से मिलके आप भी इमोशनल हो जाएंगे, आपका भी दिल पिघल जाएगा। मिलना है, चलिए मिलवाएं। हे गाइस, दिस इज़ अंश बागड़ी और आज SBS मेरे घर आए हैं। तो जो मेरी आधी फैमिली है वो दिल्ली में है और जो बाकी की फैमिली है मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा आज। आप लोग एक्साइटेड हैं? बर्लिन, टोक्यो, कम यार, कम यार। तो ही जस्ट टॉकिंग, जो आपसे बता रहा है वो कि वो बर्लिन है, उसको खेलना बहुत पसंद है। टोक्यो को कबूतर बहुत पसंद है, जैसे ही उसको बोलो कबूतर वो सीधा भाग जाती है कबूतर को ढूंढने। टोक्यो कबूतर, टोक्यो कबूतर, तो शी इज जस्ट गोइंग सी 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 सी। आधे से ज़्यादा टेंशन मेरी लाइफ की है ना, ये रिलीज़ कर देते हैं। जब भी मैं टेंशन में होता हूँ, जब मैं टेंशन में होता हूँ, प्रॉब्लम में होता हूँ, बर्लिन को पता लग जाता है, टोक्यो को भी पता लग जाता है, तो एकदम मेरे पास आ जाते हैं दोनों। मैंने इनको ना बहुत ही प्यार से रखा है और मैंने मतलब ऐसा बोलना भी ख़राब है कि मैंने इनको डॉग्स की तरह नहीं रखा। मैंने इंसान मतलब वो तो ऑब्वियस है ना, मतलब अपनी माँ को तुम माँ की तरह रखोगे ना, बहन को बहन की तरह रखोगे, भाई को भाई की तरह रखोगे। सो दे आर माय फैमिली, तो मेरी फैमिली की तरह ही हैं। सो गाइस, मेरा जो छोटा सा प्यारा सा घर है मैं आपको दिखाता हूँ।
दिस इज माय लव. तो जितने भी जो जो गुर्बत के दिन थे उसमें इसने बहुत साथ दिया है मेरा, तो मैंने बहुत ही प्यार किया है इसके साथ. तो मैं जब कॉफ़ी बनाता हूँ तो मैं एक एक दुनिया में खो जाता हूँ. मुझे कॉफ़ी बनाना बहुत पसंद है. और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा यू नो सीनिक व्यू है आरे का, तो मैं यहाँ पे बहुत अपनी कॉफ़ी इंजॉय करता हूँ. हाँ गिटार भी गिटार, लेकिन है ना मैं बजाता था 1.5 साल पहले, लेकिन ये बागिन जब से शुरू हुआ ना तब से इतना खो गया मैं बागिन में ही, तो अभी मैं बागिन से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ. सो गाइज, मार्शल आर्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शूज़, तो मैं शूज़ पहनता हूँ. सो मैं अपने स्पेशल शूज़ निकालूँगा, ठीक है ना. वैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे शूज़ हैं मेरे पास, लेकिन ये जो जूते हैं ना ये मेरे फेवरेट हैं यार. ये शूज़ है ना मेरे को रिमाइंड कराते हैं कि मेहनत नहीं रोकनी, बस मेहनत करते रहना है. तो फिल्म का हीरो हो या हीरो रियल लाइफ में हो, तो जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो हीरो ही नहीं है. और हीरो बनने के लिए ना सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट है ना आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था, ताकि मैं रियल लाइफ में भी हीरो बन सकूँ और रियल लाइफ में भी. बागिन से पहले स्टार्ट किया था हम लोगों ने 5 महीने पहले, और जैसे आप देख रहे हैं तो शायद देखने में इजी लगता होगा वो, बट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत ज़्यादा तपस्या चाहिए होती है मार्शल आर्ट्स के लिए. और वो कहते हैं ना बिना गुरु के सब कुछ अधूरा है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे रणधीर जो है वो मिले, और वो इतने ज़्यादा पैशनेट है ना मार्शल आर्ट सिखाने के लिए, यार आप बिलीव नहीं करोगे. मतलब बहुत बड़ी बात होती है. उन्होंने बोला कि बीच में थोड़ा सा एक्टर्स की लाइफ होती है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है फाइनेंशियली, उन्होंने बोला यार पैसे की छोड़ दूँ, तू क्लास मत छोड़ियो. इनकी मेहनत देख के तो मुझे भी जोश आ जाता है, जिस तरह से करते हैं ना तो मज़ा भी आता है सिखाने में. इस तरह से मेरा पूरा दिन इनके साथ निकल जाता है, पता ही नहीं लगता है. और पता लगता भी है तो फिर बर्लिन और टोक्यो पता ही लगने देते. तो कभी मैं इनके साथ ड्राइव पे चला जाता हूँ, कभी घर पे इनके साथ खेलता हूँ. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये दोनों आए. और मैं विश करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे प्यार करने वाले आपको मिले. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. आओ बहन चुगली करें, लेकिन चुगली हम नहीं करेंगे, हमारी चुगलखोर आंटी करेंगी. हमारी चुगलखोर आंटी के पास अपनी पोटली में होती है ढेर सारी चुगलियां, आपको भी जाननी है तो चलिए आपको दिखाएं. लो भाई मैं आ गई, और आज लाई हूँ आपके लिए सीरियल्स के हाई पॉइंट. तो लीजिए सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की. अब एक तरफ अनुपमा के साथ अनुज सुहाने पलों को जी रहा है, उसका बर्थडे मना रहा है, हाँ
तो वहीं दूसरी तरफ उसे मिला रियलिटी चेक, और ये रियलिटी चेक सिर्फ अनुज को ही नहीं बल्कि अनुपमा को भी मिलेगा, वो भी उसके बर्थडे के दिन। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। लगता है एक और बखेड़ा खड़ा करने के लिए सभी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि एनिवर्सरी पार्टी में होगा एक बड़ा धमाका जहां होगा मामा जी का पर्दाफाश। मुझे आपका टच अच्छा नहीं लग रहा। अब फिलहाल ईशान सभी की कोई बात नहीं मान रहा है। मुझे आपसे बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम मामा जी के बारे में इतनी घिनौनी और घटिया बातें कर कैसे सकती हो? लेकिन आने वाले एपिसोड में अनवी की मदद करते हुए ईशान दिखाई देगा, तब जब अनवी खुद के लिए स्टैंड लेगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब ये क्या दादी सा, आपने अबीरा को तो घर से निकाला ही लेकिन साथ में अरमान को भी निकाल दिया। अब कहानी में ट्विस्ट तो रूही ही लाएगी, क्योंकि रूही नहीं चाहती है कि अरमान घर छोड़कर जाए। अब ये बात सुनकर अरमान ही नहीं अब बीरा भी शौक है। करियर के लिए एक सेकंड में हमारे खिलाफ खड़ी। प्लीज दादी साहब, अब बीरा को एक मौका खत्म। अरमान, आज से ये घर में नहीं रहेगी। ये लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम अपनी जिम्मेदारी बेखूबी से निभाते हो। तुम्हें भी इसके साथ घर छोड़ के जाना पड़ेगा। वैसे अबीरा भी नहीं चाहती है कि अरमान उसके लिए घर वालों को छोड़ दे, लेकिन अरमान बीइंग अरमान वो देगा अपनी पत्नी का साथ और छोड़ देगा अपने ही घर वालों को। तुम्हें अबीरा का हाथ थामा और उसी वक्त प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो तुम अबीरा का हाथ छोड़ दो। अरमान, फैमिली के साथ खुशी खुशी रहना है तो तुम अबीरा को छोड़ दो। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की। एक तरफ अमृता और विराट के बीच तू मैं दिखाई दे रही है। कहाँ जा रही हो? आपसे दूर। अच्छा, मुझे दूर ही जाना था तो अपने परिवार को लेकर मेरे टेरेस पे। वो मेरी मजबूरी है। मजबूरी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्यार व्यार में पड़ गई थी? ऑफ कोर्स। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अमृता दूर जाने की कोशिश करती है वैसे ही उसे कुछ लग जाता है, और फिर जो हुआ वो आप भी देखिए। भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय, दिस इज गगन कुंद्रा एंड दिस इज एरिका फर्नांडिस एंड यू आर वाचिंग अस ऑन गेस द वर्ल्ड चैलेंज। नहीं, सास की बच्ची नहीं। बेटी यार, जवान रंगी अभी ये जानबूझ के कर रहा है। क्या जानबूझ के कर रहे हो ना? आई स्वेयर। सेकंड सैंड बक 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 बक। ये हम लोग दमशराज खेल रहे हैं, हम लोग वो नहीं कर रहे जो ये गेम है। तो एटलीस्ट आप बोल ही सकते इसमें। मुझे बता रहा है, देख कहाँ जा रही मेरी जुबान। तुलसी। हाँ। सास कभी उधर। संस्कारी संस्कारी। हाँ। सास। हाँ। के बाद। नहीं। सास की बच्ची। नहीं। छोटा। हाँ।
बेटी 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 तुलसी की बेटी का नाम है सिर्फ तुलसी बेटी सारी बेटी आज भी कभी बहू थी ये जानबूझ के कर रहा है जानबूझ के कर रहे हो ना आई स्वेयर यहाँ पे परम सुंदरी चल रहा है यार ओके परम सुंदरी पुट इट बैक अच्छा टू वर्ड्स यस ओह टू वर्ड्स ओके हाँ सेकंड वर्ड बच्ची हाँ बच्ची का इंग्लिश बेटी हाँ फर्स्ट वर्ड बहू बेटी नो संस्कारी संस्था संस्कारी संस्कारी बेटी दही हाँ गई भैंस करण पानी में चार वर्ड गई क्या गई हाँ गई, ये गई ये गई हाँ सेकंड अभी जो बोला सेकंड हाँ गई इज द फर्स्ट हाँ सेकंड सांड हाँ हाँ करेक्ट सो फर्स्ट एंड सेकंड हो गया भैंस गई पानी में भैंस गई पानी में एरिका के लिए इतना भी बहुत अच्छा है उसने गई भैंस पानी की जगह गई भैंस पानी में जो भी कुछ बोला है Three words. First word. Green. Yes. Second word is green. हाँ. Hindi. हाँ. हर हाँ. ज़्यादा. समोसे के साथ क्या है? खाने वाली चीज़ है. हाँ हाँ. चटनी. Yes. चटनी is the second word. Correct. So first word कौन सी वाली green चटनी होती है? कौन सी चटनी होती है? पुदीना की. पुदीना हरी चटनी है. One word only. Two words. Three words. क्या कर रहे हो तुम एक दो तीन फर्स्ट वर्ड क्यू लो क्यू लो 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 फर्स्ट वर्ड इज ओके फर्स्ट वर्ड इज लो हाँ ठीक है थर्ड वर्ड बक चटर बटर बात फर्स्ट एंड थर्ड हो गया लो कर लो बात ये हम लोग डम्सराइज खेल रहे हैं हम लोग वो नहीं कर रहे जो गेम है तो एटलीस्ट आप भूल ही सकते बता रहा है देख कहाँ जा रही मेरी जुबान आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिस शो इज कि जो दोनों कैरेक्टर्स हैं सुमित और नंदिता बिल्कुल हमारे रियल लाइफ से मिलते जुलते नहीं है एंड आपने अभी तक एरिका को जिस भी अवतार में देखा है दिस इज गोना बी यू नो आई मीन अ रेवलेशन एक्चुअली इट वाज अ वेरी गुड रोल फॉर हिम टू बी प्लेइंग बिकॉज इट इज It has given him a lot of, scope to perform. So yeah. Please watch Love Adhura on Amazon Mini TV. Yeah. ABP News. आपको रखे आगे. राजा की तो आपने कई बार कहानी सुनी होगी लेकिन अब एक सीरियल आया है एक कुड़ी पंजाब दी अब इसमें एक है हीर और एक है राजा अब रियलाइज तो हो गया है हीर को कि राजा से प्यार करती है लेकिन बोल नहीं पा रही क्यों भाई हीर क्यों नहीं बोल पा रही लेकिन ये भी सच है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते और कुछ ऐसा ही हो रहा है हीर के साथ भी जहां अब उसे फाइनली रियलाइज हो गया है कि वो रांझा से प्यार करती है और अब वो इस बात का इजहार भी कर देना चाहती है तभी तो हीर को पूरी कायनात रांझा से मिलवाने की कोशिश कर रही है और अब तो घर वाले भी उसे यही रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि रांझा उससे कितना प्यार करता है जला
प्यार तो है, ऐसे थोड़ी ना जाएगा। फाइनली हीर को इस बात की समझ आ गई है कि उसको जीते से प्यार है। अब इस बात को फाइनली हीर भी मान लेती है कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती ही नहीं प्यार भी है, और अब वो जान गई है कि वो रांझा के लिए क्या फील करती है। हीर को अभी अभी रियलाइज होता है कि वो रांझा से प्यार करती है, उसे रियलाइज करवाती है उसकी भाभी। ऑफ कोर्स अभी मैं जाऊंगी, मैं अपने प्यार का इजहार करूंगी रांझा से, एंड होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। अब किस्मत भी देखिए ना कैसे दोनों को मिलवाना चाहती है। तभी तो हीर फैक्ट्री में फंस गई है, और यहाँ वो अकेली नहीं है, उसके साथ रांझा भी है। अब देखिए ना इस मुश्किल की घड़ी में रांझा कैसे उसका ख्याल रख रहा है। जी मुझसे अपने प्यार को कन्फेस करने की कोशिश कर रही हैं, बट मुझे वो अगली चीज़ समझ नहीं आ रही है। मैं यहाँ पर उनकी बात सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, बिकॉज मैं अपनी जोन में हूँ और वो अपनी जोन में मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं, हेजिटेट कर रही हैं, बट समहाउ बोल नहीं पा रही हैं। तो ऐसे ही करके ये पूरा चंक चलता है। इसमें कुछ रोमांटिक मोमेंट्स होती हैं, कुछ नोकझोंक होती है, कुछ बैंटर्स होते हैं। फिलहाल के लिए वो एज अ फ्रेंड ही मानता है हीर को, जब तक कि उसकी फीलिंग्स डेवलप नहीं होती हैं हीर की। तो रांझा के अंदर तो ऑब्वियसली हीर के लिए प्यार है ही है, और उसने एक दो बार कन्फेस कर भी दिया। वैसे ये तो हुई ऑन स्क्रीन की बात, अब चलिए आपको ले चलते हैं बिहाइंड द कैमरा, जहां रमजान के खास मौके पर देखिए कैसे पूरी टीम के साथ हीर और रांझा भी पहुंचे इफ्तार करने। यहाँ पर एक टाइम ऐसा आता है जब रोज़ा का टाइम होता है, इफ्तारी का टाइम होता है, उस टाइम पे सारे ऑब्वियसली मुस्लिम जिन्होंने रोज़ा रखा है वो तो साथ में रोज़ा तोड़ते हैं। हम भी उनके साथ उसी उनके स्पेशल मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ उसी प्रोसेस में खजूर से फिर फ्रूट से फिर उसके बाद नमकीन, इस पूरे प्रोसेस में खाना खाते हैं। और हम लोग रोज़ काम करते हैं आपस में, तो एक फैमिली की तरह, तो हम भी उनके साथ उनके इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करते हैं। अब कहानी में ही रांझा से प्यार का इजहार करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उसकी इस कोशिश में थोड़ी मुश्किलें भी जरूर आएंगी, क्योंकि ये सीरियल की दुनिया है और यहाँ ड्रामे के बिना कुछ भी नहीं होता। और फिलहाल हीर के साथ भी यही हो रहा है, और उसने वो चीज कन्फेस कर लिया, वो जीते के पास जाएगी। बट यहाँ पर जीते के लाइफ में एक डिलेमा है कि उसको तेजी ने भी प्रपोज कर दिया अपनी शादी के लिए, और क्योंकि बच्चों की खातिर, तो अब रांझा क्या करेगा। अब वो अपनी जिससे वो उसने पूरी ज़िंदगी प्यार किया है उसके साथ उससे पूछेगा, उससे अपने प्यार की फीलिंग्स का इजहार करेगा, या फिर वो बच्चों को चुनेगा। अब हीर कैसे रांझा से प्यार का इजहार करेगी, यही तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन इरफान शेख के साथ सोनू शुक्ला की रिपोर्ट। ABP News, आप रखे आगे। इमली को तो आपने देखा ही होगा, अक्सर गुंडों की पिटाई करती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार इमली फंस गई है रघु के चंगुल में। अब देखना होगा कि बेचारी इमली की मदद करने आखिर कौन आता है, इमली आखिर रघु के चंगुल से छूटेगी कैसे। और गुंडों का नाता तो जैसे 7 जन्मों का हो गया हो। एक गुंडा इमली की जिंदगी से जाता नहीं कि दूसरे की एंट्री हो जाती है। जितना हीरो नहीं लड़ता उससे कहीं ज्यादा इमली गुंडों से लड़ती हुई नजर आती है। लेकिन आज इमली रघु के चंगुल में फंस गई, और वजह कुछ और नहीं बल्कि हीरा है। इसलिए तो उसने इमली की गर्दन पर चाकू रख दिया है।
कि उसे किसी भी हाल में हीरा चाहिए, क्योंकि ये रघु की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। रघु इमली को चाकू मारने ही वाला होता है, लेकिन वही वक्त पर रघु का साला यानी कि सूर्य पहुंच जाता है, क्योंकि रघु ने अपने मतलब के लिए मालती को फंसाया और फिर शादी की। इसलिए तो सूर्य बंदूक तान कर भी रघु पर गोली नहीं चलाता, क्योंकि उसकी बहन मालती विधवा हो सकती है। रघु को बस सूर्य से वो हीरे चाहिए जो उसके हैं, लेकिन सूर्य इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो इन दोनों की फाइट में नुकसान इमली को उठाना पड़े। अकेले अकेले अपनी मन में दुखी होकर मैं आते आते जंगल की तरफ आ चुकी हूँ, जहाँ पे मिल गया है रघु। तो रघु आके मुझे बोल रहा है कि वो डायमंड्स मुझे वापस दो, अदरवाइज आई किल यू। तो वही ये सब हुआ है। तो अभी लास्ट मोमेंट में वो गन लेके, गन उसके हाथ में है और मैं जाने वाली उसके पास, लेकिन गोली चल जाती है और गोली मुझे लग जाएगा, तो यही होगा। इमली को गोली लग जाएगी तो उसे अस्पताल भी सूर्य ही लेकर जाएगा। फिर कहीं ना कहीं सूर्य को ये एहसास होगा कि इमली जो कर रही थी वो बिल्कुल सही था, क्योंकि इमली अपनी खुशियों से ज्यादा परिवार की खुशियों के लिए जीती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमेशा ही काम बिगाड़ा है। अब देखिए प्रीता के आने से वो इतनी इनसिक्योर हो गई थी कि उसने खुद की जान लेने की कोशिश की, लेकिन डरिए नहीं, वो मरी नहीं है, जिंदा है, अस्पताल में है। अब घर वालों के दिमाग में प्रीता को लेकर पहले से ही उसने कुछ ऐसी बातें डाल दी है कि अब निधि की आत्महत्या करने के फैसले का जिम्मेदार प्रीता को ठहराया जा रहा है। क्योंकि घर में जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है कि जैसे अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट होता है या किसी की जान पे बनाती है, तो उस टाइम साइड लेना बड़ा मुश्किल होता है। चाहे आप किसी के प्रो हो, किसी के एंटी हो, लेकिन उस वक्त ऐसा होता है कि आप सब चीज़ें भूलकर आप सिर्फ उसकी हेल्थ की, उसकी सलामती के आप परवाह करते हैं। अब करण भी परेशान है, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है कि निधि को कुछ ना हो। अब प्रीता को तो वैसे भी पुराना कुछ याद नहीं है, वो तो एक अच्छी सोच रखती है, सबके लिए भला ही सोचती है। उसने करण से कहा कि इससे पहले भी निधि ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त प्रीता ने बचा लिया। मुझे कुछ पता है, जो मुझे लग रहा है कि मुझे आपको बता देना चाहिए। निधि ने ना पहले भी किचन में सुसाइड करने की कोशिश की थी, मतलब वो तो मैंने अचानक उसे वहां देख लिया और उसको बचा लिया, लेकिन ये बात मुझे थोड़ी देर से स्ट्राइक हुई कि वो ऐसा करने की कोशिश कर रही थी। ये वही है, एक आंख में प्रीता के लिए, एक में निधि के लिए। ये ऐसा है, अब दो कश्तियों में पांव रखा है तो डावा डोल तो हो गई है। तो अब यही है कि आंसू है, आंसू अब बेसिकली सिचुएशन को देखकर आंसू है कि मतलब भगवान से पूछता है कि हे भगवान, कि मतलब मुझे ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला है, निकालो यहाँ से, इस सिचुएशन से कोई एक रास्ता बताओ। खैर अब हम जानते हैं कि निधि को कुछ नहीं होगा, ये तो केवल एक ड्रामा था प्रीता को रास्ते से हटाने का।
है जिसमें वो फिलहाल कामयाब तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि करण जानता है कि प्रीता के आने से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और अब करण, एक केवल आपको ही फैसला लेना होगा कि आपको किसके साथ रहना है, प्रीता या निधि के साथ। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, घर की महिलाओं को आपने देखा होगा कितना व्यस्त रहती हैं। मंगल को देख लीजिए, इतनी व्यस्त है कि फंक्शंस को एंजॉय ही नहीं कर पा रही। अच्छा, व्यस्त तो है ही, साथ में डरी भी हुई है। किससे? आदित्य से। अब क्यों डरी है ये आप खुद जान लीजिए। नमस्ते। मंगल की जिंदगी ना तो मंगल है और ना ही उसकी जिंदगी में बुधवार है और ना ही इतवार है। मतलब घर की महिलाओं को कभी छुट्टी नहीं होती, वो बस घरेलू काम में व्यस्त रहती हैं। अब देखिए, नए घर में गृह प्रवेश की रस्म के लिए आदित्य ने अपने सभी दोस्तों को घर बुलाया है। लगभग 150 मेहमान आए हुए हैं और उन सब के खाने पीने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि मंगल की है। बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है लाइफ में, सीधी लाइफ चलती नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आए जा रही है। केटर को बुलाया था और वो आया नहीं, लास्ट मिनट वहाँ पे डेट गलत लिखवा दी मैंने, नहीं सौम्या ने। तो 15th का ऑर्डर था और 17th वहाँ पे मेंशन कर दिया और वो लोग लास्ट मिनट ऑर्डर लेते नहीं हैं। तो मंगल, लक्ष्मी और सोनू मिलकर जो है खाना बनाते हैं, तो वो मैं खाना बना दी ऑलमोस्ट 150 लोगों का, मैं और लक्ष्मी मिलकर। तो ये हालत होनी थी मेरी। मंगल अपने ही घर में बहुत बिजी है क्योंकि उसे एक नहीं 10 काम है और इसी बीच उसे आदित्य के फ्रेंड्स को भी अटेंड करना है। अब बेचारी को इंग्लिश नहीं आती तो इसलिए बात करने में भी हिचकिचा रही है। क्या कहा आपने? सॉरी, मुझे अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती। और देखिए, इसी बीच पहुंच गया है आदित्य और आदित्य को देख तो मंगल सहम जाती है क्योंकि वो बात बात पर मंगल को डांटना शुरू कर देता है। प्रोसेशन निकालेंगे ना, बिकॉज मैंने उनकी इतनी इंसल्ट करा दी उनके बॉसेस के सामने, उनके कॉलेज फ्रेंड्स के सामने। मेरे होलिया ही देख लो, इनफैक्ट मुझे लगता है अगर कुसुम जी भी होती सामने, मेरी सासू माँ, वो भी मुझे डांटती क्योंकि इस तरह से एक घर की बहू ये होलिया बना के वो घर के गृह प्रवेश में घूम रही है, तो ऑब्वियसली गुस्सा आना ही है। मंगल जैसी भी है पर वो बहुत साफ दिल की है, उसके मन में किसी के लिए बुराई नहीं है, तो भला उसके साथ ऊपर वाला कैसे बुरा करेगा। आदित्य भले ही उसे समझे ना समझे लेकिन दूसरे लोग उसे जरूर समझेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आप रखे आगे। सैमान आजम को तो आप जानते ही हो ना, टीवी पे काफी पॉपुलर है, लेकिन अब वो करने वाले हैं ओटीटी पर एंट्री अपनी एक नई अपकमिंग वेब सीरीज के साथ, जो कि होने वाली है शिवांगी वर्मा के साथ अतरंगी आप पर। भाई अब रमजान का महीना है तो एक इफ्तारे पर उनसे छोटी सी मुलाकात की है हमने।
अपना रोज़ा खोला है और खजूर से खोला है, खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत माना जाता है, तो सुन्नत आर द थिंग दैट प्रॉफिट यूज टू डू, सो वी इमिटेट एंड वी ट्राई टू डू थिंग्स, सो वो सुन्नत मानी जाती हैं। बट अगर आपके पास खजूर नहीं भी है तो आप किसी भी चीज़ से फास्ट खोल सकते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है। यूजली आज कल तैमूर क्योंकि घर पे है वो, तो वो फ्रूट्स काट रहा होता है और कॉल करता है कहाँ हैं आप, टाइम हो गया आ जाइए जल्दी से, इफ्तार का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो मैं कभी ऐसे इंटरव्यू में होता हूँ, मुझे लगा था मैं पहुँच जाऊँगा, उसका कॉल भी आया मुझे तो, बट आज नहीं जा पाया। यूजुअली वो फ्रूट्स काटता है या फिर ऐसा कुछ सैलड बना के रखता है या कुछ चीज़ें बना के रखता है या फिर कुछ खाने की चीज़ें लेकर आता है। यार मैं तो काफ़ी डाइटिंग पे चल रहा हूँ तो मैंने तो बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ कुल्फी। नहीं नहीं मैं भी ऑफ कोर्स आई हैव बीन डाइटिंग काफ़ी समय से एंड यू नो इट, सो आई थिंक शी इज डाइटिंग बिकॉज़ ऑफ मी, जस्ट टू बी एज हॉट एज यू आई हैव बीन डाइटिंग, आई हैव लॉस्ट व्हाटएवर किलोस, सो या काफ़ी समय के बाद, सो स्टॉप ईटिंग इन फ्रंट ऑफ मी नाउ। Wow. मैंने ब्लैक कॉफ़ी मंगाई थी विदाउट शुगर ताकि मैं डाइट पे रहूं, और ये तुम लोग लेकर आए हो ये मेरे लिए, ये गलत कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, दिस इज नॉट राइट, और मेरे हीरोइन के साथ भी नाइस राइट। राघव मेरा कैरेक्टर का नाम है और सुरेन के कैरेक्टर का नाम है। बहुत बैगेज है, बहुत एंग्स्ट है, बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आया है अपनी ज़िंदगी में, जो कि दिखाता नहीं है, दिखाता है बहुत ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, वेरियर ऐसा है नहीं, उसकी माँ से उसकी फैमिली के उसके अपने इशूज़ चल रहे हैं। सुरेन बहुत ही सिंपल सी खूबसूरत सी लड़की है जो उसकी एक सिंपल सी बकेट लिस्ट है जिसमें गाना भी सीखना है उसको राघव की माँ से, तो वो घर आती है और उसके बाद पूरी चेंजेस हैं लाइफ में और किस तरह से ज़िंदगी ऊपर नीचे मतलब तहस नहस हो जाती है ज़िंदगी पूरी इनकी। हमारे साथ बहुत ही अच्छी बात ये हुई है कि दीपशिखा नागपाल हमारे साथ हैं, वो प्लेज माय मदर एंड शी डन अ ब्रिलियंट जॉब एंड आई एम ग्लैड वी बोथ वर्क विद हर, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर, शी इज़ अ फायर बॉल ऑफ एनर्जी, शी इज़ अमेजिंग, मतलब फायर बॉल ऑफ एनर्जी, वो आग का गोला है, आग का गोला है वो। लुक टेस्ट में आई थिंक हम लोग फर्स्ट टाइम हमारा मुलाकात हुआ था एंड हमारा फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे फोटोग्राफ टुगेदर हुआ था राइट, एंड अनु हमारी स्टाइलिश जो है अनुराधा जी, यू रिमेम्बर ऑल द नेम्स, गुड। सो जो हमारी क्रिएटिव थी उन्होंने बोला था कि ओह माय गॉड दिस इज़ द केमिस्ट्री, और वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया था दैट यस कुछ अच्छा होने वाला है। सो या दैट पहली बार था जब मैंने सहबान को फर्स्ट टाइम देखा था, बट बहुत ऑकवर्ड सा था और मैंने इसको देखा और ये ऐसे खड़ी, हाँ मतलब तू मुझे देख रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी, मैंने कहा आई नीड टू ब्रेक द आइस कैसे बात करूँ, तो मैंने कहा लिसन मैं इफ आई बिकॉज वी आर शूटिंग और हम ऐसे कर रहे हैं तो आई कैन टच यू राइट ऑन योर फोरहेड और ये, तो कहती हाँ हाँ, मैंने कहा आई कैन होल्ड यू राइट, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम, तो मैं तुम्हें छू सकता हूँ, फर्स्ट लुक टेस्ट फोटोग्राफ, तो मैं तुम्हें छू सकता हूँ ना कोई प्रॉब्लम, मतलब बिकॉज शूट के लिए चाहिए, हाँ कहती ओके ओके, मैंने कहा ओके ओके, तो इस तरह से मैंने आइस ब्रेक करी थी बात बात करने, क्योंकि इससे पहले हमारी कोई बात ही नहीं हुई थी, सो ये मैंने पहली बार उसके गाल पे हाथ लगाया है जिंदगी में। दिस वाज आवर फर्स्ट फोटोग्राफ एवर क्लिक्ड। प्लीज हमारे ये सीरीज जरूर देखिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू माइट लाइक इट, देयर इज अ लॉट ऑफ गुड म्यूजिक इन इट। ABP News, आपको रखे आगे।